हेलो दोस्तों, देखिए गौतम गंभीर और विराट का जो 36 का आंकड़ा है इससे कोई दूर दराज सुना अनसुना नहीं है। सभी को पता है क्या नहीं है, लेकिन आज गौतम गंभीर ने जो बात कही है उसको सुनकर हर जो सच में क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, वो तमाम लोगों का जो दिल है, वो जो आत्मा है, वो तड़प उठेगी जो बात कही है गौतम गंभीर ने। इसी पर से बात करेंगे। आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोगों में स्वागत है। मेरा नाम सदीप मिश्रा है। देखिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, स्टार स्पोर्ट का एक इंटरव्यू था, वहां पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट और आपके तमाम बड़े दिग्गज प्लेयर मौजूद होंगे, तो आप वहां पे बाबर आजम को कैसे देखते हैं, क्या बाबर आजम को कैसे देखते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि नो डाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट बड़े खिलाड़ी, लेकिन बाबर आजम के पास एक्स्ट्रा टाइम है और इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम अलग निकल के आएंगे, सबसे अलग निकल के आएंगे और इन जो खिलाड़ी का नाम लिया है मैंने, इनसे बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम। इस तरह के स्टेटमेंट दिया है गौतम गंभीर ने बाबर आजम को लेकर। नो डाउट बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जो रूट से बड़ा बल्लेबाज है क्या? क्या किया है बाबर आजम ने? कोई मुझे बताएगा कि आखिर बाबर आजम ने कौन सा तीर मार खा वाला काम कर लिया है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी प्रशंसा किया जाए, उनको प्रेस किया जाए? किस बात के लिए प्रेस किया जाए? क्या इस बात के लिए प्रेस किया जाए क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए, नामीबिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका छोटी टीम के लिए और इंग्लैंड की BC D टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, CD टीम के खिलाफ और आपके बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाया है, नेपाल के खिलाफ एशिया कप 150 बनाया, उसके बाद उनका बल्ला थम गया, ठंडा पड़ गया, उनके बल्ले की जान जो थी वो निकल चुकी थी, तो क्या उसके लिए उनके लिए तालियां बजाई जाए? उस पारियों के लिए क्या आप विराट कोहली और रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट, डेविड वार्नर, उनको ऊपर रखेंगे? किस बात के लिए रखेंगे समझ नहीं आता। आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए, पूरी तरह से बंदा फ्लॉप रहा है, पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। आप देख लीजिए अभी देखिए 2021 का जो एशिया कप हुआ वो बंदा पूरी तरह से फ्लॉप रहा, और अभी आप देखिए ये अभी एशिया कप हुआ है, एशिया कप में पूरी तरह से बंदा फ्लॉप रहा है, एक भी मतलब कि वही 150 पारी करीब आई है नेपाल के खिलाफ, उसके बाद उनका बल्ला ऐसा ठंडा पड़ा है जैसे लग रहा है उनके बल्ले में दमखम ही निकल गई है। बाबर आजम ने ऐसा क्या उखाड़ा? देखिए मैं बाबर आजम खिलाफ नहीं हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं जानता हूं बल्लेबाज अच्छा है, लेकिन ये बात कहनी कि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जो रूट, केन विलियमसन से ऊपर है, ये बात मुझे बहुत खल रही है। ये कैसे बोल दिया गौतम गंभीर ने? यार 36 का आंकड़ा तो है, ये तो बात निश्चित है, दुश्मनी तो है और दूसरी बात जलन की भाव तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से गौतम गंभीर जलन के भाव रखते हैं विराट कोहली से, उसको देखते ये बात कहना गलत नहीं होगा कि यार जब भी वो बयान देता है हमेशा उसके बयान में एक विरोधाभास तो रहता ही रहता है किसी भी एंगल से, खासकर विराट कोहली को लेकर। आपको याद है मेलबर्न में जो विराट कोहली ने पारी खेली, उसके बाद पर्थ में आपका सूर्य कुमार यादव ने 50 मारा, अच्छी पारी खेला था, उसने कहा कि सूर्य कुमार यादव जो आज पारी खेली है ये T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे बड़ी पारी है। तो यार क्या कहना अब गौतम गंभीर का क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, विराट कोहली 2012 में एशिया कप के में आपका 183 रन की बेमिसाल बेसहाब पारी खेली, आज भी एशिया कप में वो इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर है, पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में सेंचुरी लगाया, अभी देखिए एशिया कप में सेंचुरी लगाया, 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने करीब 72 या 80 रन के ऊपर एक पारी खेली थी, 80-82 रन की कुछ पारी थी वहां खेला था, जहां पर नॉट आउट थे लेकिन मोहम्मद आमिर की गेंद पर उन्हें आउट करार दे दिया, जबकि बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी और अपने चले गए थे, डगआउट चले गए, अदरवाइज वहां भी सेंचुरी थी। तो ये तमाम पारी T20 में बेमिसाल बेहिसाब पाकिस्तान के खिलाफ उनके रिकॉर्ड है, उसके बावजूद भी आपने बड़े स्टेज में विराट कोहली निकल के सामने आता है और अच्छे को, हारिस श्रॉफ को जो छक्का मारा, जो 7 गेंदों पे 8 गेंदों पर 28 रन, एक का कुछ मजाल है जो हारिस श्रॉफ को उसके पहले 1900 में कोई मार नहीं पाया है और विराट कोहली लगातार 2 छक्के मारे, क्या कोई मार सकता है? उसके बावजूद भी गौतम गंभीर यह बात कैसे बोल सकते हैं? या जलन की भाव है आप कहने में, मानता हूं सब सही है, लेकिन कम से कम इस तरह के क्रिकेटर होके, एक पूर्व क्रिकेटर होके जो क्रिकेट को अच्छे समझता, अगर वो ऐसी बातें करेगा तो यार बहुत शर्म
शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक बात है। इस तरह की बातें गौतम गंभीर बिल्कुल शोभा नहीं देती है। बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है गौतम गंभीर की बात सुनकर, मुझे बहुत बुरा लगा है गौतम गंभीर की बात सुनकर। आई होप आप लोग भी बहुत बुरा लगेगा और इस पर रिएक्शन आप लोग जरूर देंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, प्रेस की, सुनना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो बैठ के। जय हिंद, जय भारत।